की खुशबू से दुनिया संभा लेंगे, मुसाफिर ये ढूंढते हैं मंजिल अपनी पा लेंगे। रूठ गई है मंजिल मगर किसी ने पुकारा नहीं, आंखों में चमक तो है मगर किसी का सहारा नहीं। इस किस्मत की हकीकत से लिखो आप कोसों दूर है, बेसहारा तो है ये मगर इनका क्या कसूर है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नाट्य संस्था आवरण एक आखिरी बार प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक अरे तो की जान। टैंक के गुंडे हुए तैयार, भूखने की सब मुकोटे आवरण की है मशाल। Thank you.
चीखों में सिर्फ दर्द नहीं छुपा, छुपा है किस्सा मेरा। न मिला कोई सुनने वाला, मानो छाया काला अंधेरा। अब यूं ही तो नहीं अंधेरा छाया है, जब आपकी जान का रक्षक उसको नोच कर उसके मायने खत्म कर दे, तब तब ये चीख है फिर शोर समान लगती है। ये था अनरजिस्टर्ड CCI, यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। ये वो अनाथ आश्रम है जो सरकार की नजरों से कोसों दूर है। यहाँ इन बच्चों को रहने के लिए एक छत और खाने के लिए खाना मिल जाता है, पर इस चार दीवारी के अंदर इनके साथ क्या क्या होता है वो तो बस ये बच्चे जानते हैं। और ये तो वो है जो यहाँ तक पहुँच गए, उनका क्या जो यहाँ तक भी ना पाए। क्या भाई साहब, फाइनल परफॉर्मेंस आ गई तो पूरा मोनोलॉग बोलोगे? टाइम लिमिट के लिए तो कैसे जो मन करेगा, तो बुला लेते उन्हें। ये भी मैं बताऊं भाई साहब, मैं ही बताऊंगा तो आपके देखोगे ना। Oh!
बोर्ड में पना दोगे, पता नहीं कि उसके माँ बाप कौन होते हैं, हमारे एग्जाम गंदे होते हैं और पता नहीं उसे क्यों छोड़ा। ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे ऐसे सब देखो, ऐसे होते हैं मेले को चले, ऐसे होते बच्चे, ऐसे ऐसे। मम्मी मैं तो आपकी का कूनू ना नाक कटवा दी है। चल चल एडॉप्ट और एडॉप्शन की लाइनों में लगोगे ना तो बाल सफेद हो जाएंगे। उससे अच्छा नहीं। अरे यार चिंगू मिंगू इन्हें बाबा के पास लेके जाओ, क्या ऑर्गन्स बेचेंगे। चलो कैसी बात कर रहे हैं आप लोग के बच्चे का। अरे आंटी जी ये क्या इतनी बोरिंग बातें करके सबका मूड ही खराब कर दिया आपने। आप ना ये लो बुलबुल उड़ाओ। Oh,
जो शायद आपके या आपके माँ बाप के कंधों पर होती है और वो आपका हर पूर ध्यान रखते हैं, मगर इस जिम्मेदारी का बोझ ना थोड़ा ज्यादा है, इसलिए अगर ये गलत समय पर गलत जगह पड़ जाए तो कब ये कंधे से पिस्ता निकल कली का फंदा बन जाएगी ना, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही तकरीबन 30 लाख अनाथ बच्चे हर रोज अपना बचपन यूं ही कुर्बान करके इन्हीं सड़कों की रौनक बढ़ाते हैं, और यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि इनको कपड़े कौन दान करेगा या इनसे ये खिलौने कौन खरीदेगा, मुद्दा है ना तो इनको जानने का, मुद्दा है अगर तो इनसे रुक के दो पल बात करने का, क्योंकि क्या पता आपका पूछा एक सवाल, क्या पता आपका एक सवाल ऐसे किसी बच्चे का बचपन बचा दे। अरे जब इतना सब बता दो तो तेरी कहानी बता दी थी।
सकता हूँ। छोड़िए से लॉस्ट। मास्टर जी, सही नंबर मिल गया। शाबाश बेटी, शाबाश। एंड फाउंड।